कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा समस्या गरीबों और रोजमर्रा के कामगार मजदूरों को हो रही है। इसी बीच प्रतापगढ़ में जय गुरुदेव आश्रम ने गरीबों और मजदूर वर्ग का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है। इसी दौरान जय गुरुदेव आश्रम के वॉलंटियर अजय सिंह ने बताया कि पंकज महाराज के निर्देश पर लगातार गरीबों की भूख मिटाई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वह लोग लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ऐसे ही सेवा जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन मुहैया करवाया गया है। अब तक गरीब परिवार को हम लोग 1,90,000 कल की डेट तक जो है उनको भोजन करा चुके हैं जी। और ये कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम चिलबिला और कुंडा में 2 जगह पर चल रहा है। एक तो ऊंचा गांव, वहाँ से प्रसारित हो रहा है भोजन का काम, और दूसरा जो है गंगा के पुल के पास जो GT नंबर 2 है वहाँ प्रातःकाल 7 बजे से भोजन वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और शाम तक चलता है। कल की डेट में यहाँ से वहाँ दोनों को मिला करके 11,501 मतलब 1 लोगों को भोजन वितरण कर।